तो दोस्तों ठीक हो ना आप सब। आप सभी को पता होगा कि अभी फ्लिपकार्ट में स्टार्ट हो चुका है फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल, और ये 27 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो इस सेल से पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, रियलमी 12 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन को लेने का अभी सही टाइम है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आप लोगों को डायरेक्ट प्राइस कट भी देखने को मिल जाता है, ऑफर्स वगैरह भी सारा कुछ देखने को मिल जाता है। कैसे आप इस स्मार्टफोन को कम से कम प्राइस में खरीद सकते हो, यही आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, मैंने इस स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग वगैरह टेस्ट वगैरह सारा कुछ किया था, जो कि इसी चैनल पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस स्मार्टफोन के बारे में मैं जानता हूँ, अभी एक साल भी नहीं हुआ ये स्मार्टफोन मतलब लॉन्च किए हुए, तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन आप लोगों को कैमरा वगैरह डिस्प्ले वगैरह में काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो आप अगर लेना चाहते हो तो अभी आप लोगों को सही टाइम देखने को मिल जाता है। तो कैसे इस स्मार्टफोन का प्राइस हम कम कर सकते हैं, अभी इसका प्राइस आप लोगों को फ्लिपकार्ट पर दिखा रहा होगा 26,000 रुपए। मैं अभी अपने मोबाइल पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं और साइड में आप लोगों को दिखेगा कि मैं आप लोगों को कैसे प्राइस कम करके इसका दिखाता हूं। तो मैंने इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, अभी मैं जाता हूं फ्लिपकार्ट पर और यहां पे आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे आप इसका प्राइस कम कर सकते हो। तो देख सकते हो मैंने यहां पे क्लिक किया फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल का जो ऑफर वगैरह चल रहा है उसमें, अभी इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं अंदर में हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पर सेल प्राइस में क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे स्क्रोल करना है, यहाँ पे देख सकते हो Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन को अभी 24,000 रुपये में ले सकते हो। इसका प्राइस 26,000 रुपये है, 24,000 रुपये कैसे कर सकते हैं इसको वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर आप लोगों को बताऊंगा कि इसका प्राइस आप कैसे कम से कम कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को 26,000 रुपये दिखा रहा है, तो इसमें क्लिक कर देना है और इसमें क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रोल करोगे, नीचे स्क्रोल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गेट बैंक ऑफ़र। तो यहाँ पर आप लोगों को बैंक ऑफ़र देखने को मिल जाता है, तो आपका अगर कार्ड नहीं है तो अपने दोस्त वगैरह किसी का भी ले सकते हो, और इस स्मार्टफोन को आप ईएमआई पर भी ले सकते हो। ईएमआई पर लोगे तो उसका मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा, अभी पहले मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो मल्टीपल बैंक्स का डेबिट कार्ड पे आप लोगों को 2000 का ऑफ देखने को मिल जाता है, HDFC बैंक का डेबिट कार्ड पे, HDFC का बैंक का क्रेडिट कार्ड पे और मल्टीपल बैंक का क्रेडिट कार्ड पे आप लोगों को 2000 का ऑफ देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके पास कार्ड वगैरह नहीं है तो अपने दोस्त वगैरह किसी से भी ले सकते हो और यहाँ पे आप 2000 रुपये कम कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका प्राइस आप कैसे कम से कम कर सकते हो। तो जिस मोबाइल से अभी आप वीडियो देख रहे हो तो इस मोबाइल को क्या करोगे, तो इस मोबाइल को आप लोगों को कर देना है यहाँ पर एक्सचेंज। तो एक्सचेंज कैसे करोगे, यहाँ पर आप लोगों को 9,650 रुपये तक का देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि मेरा ये वाला जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला है रियलमी का रियलमी 12 प्लस, तो इसको एक्सचेंज कर देते हैं हम लोग, क्योंकि नया स्मार्टफोन लेंगे तो फिर इसका क्या काम। तो यहाँ पे देख सकते हो रियलमी 12 प्लस, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ रियलमी 12 प्लस, इसमें मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट किया और यहाँ पे देख सकते हो इसका मुझे मतलब इसमें स्मार्टफोन में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो मैं ऊपर वाला सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मुझे 9,650 रुपये देखने को मिल जा रहा है। अगर आप लोग 24,000 में 9,650 रुपये घटा देते हो तो यहाँ पे आप लोगों को 14,350 रुपये में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस स्मार्टफोन को इस प्राइस में ले लेते हो तो काफ़ी फायदे में आप रहोगे, क्योंकि ये स्मार्टफोन को मैंने टेस्ट वगैरह किया है तो बहुत अच्छा स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए एक साल भी नहीं हुआ है। तो अगर आप इस स्मार्टफोन को इस प्राइस में ले लेते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट में बताना, इस प्राइस में आप इस स्मार्टफोन को लोगे कि नहीं वो भी बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो इस लाइक से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।